कोरबा के करतला थाना क्षेत्र में होए हत्या के मामला ला पुलिस ह सुलझा लिए है, जेमा एक नाबालिग समेत चार आरोपी ला गिरफ्तार करे गए है। पूरा मामला रुपया पैसा लेन देन ले जुड़े है। दरअसल एक हफ्ता पहले करतला पुलिस ह जंगल में एक युवक के लाश अर्धनग्न जले हुए अवस्था में बरामद करे रही, जेकर पहचान पुरानी बस्ती निवासी कृष्णा गंगवाने के रूप में करे गए रही। पुलिस ने जब हत्या के मामला दर्ज करके जांच शुरू करी तब मामला चौंकाए वाला निकली। जिन दिन ले लापता रही वो दिन ले सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के आधार में जब जांच करे गई तब आरोपी को यह नहीं बल्कि पड़ोसी दोस्त अमन भौरे निकली, जिन अपन दोस्त मन के संग मिल के घटना ला अंजाम दिए रही। मामला के खुलासा करत हुए एडिशनल एसपी अभिषेक वर्मा बताइस के मामला बहुत पेचीदा है, कही के युवक के लाश ला जला दिए गए रही। मृतक के माँ ले आरोपी अमन भौरे के माता पिता मन कर्ज लिए रहीन, जिन ब्याज और तगादा के चक्कर में प्लानिंग कर कृष्णा गंगवाने के हत्या कर दी। अपराध क्रमांक 25/22 जिसमें धारा 302 201 34 IPC हत्या के प्रसार कर गिरफ्त किया गया था। मृतक इसमें कृष्णा गंगवार थे, वो शुरुआती दौर पे बॉडी आइडेंटिफाई करना एक चैलेंज था। बॉडी आइडेंटिफाई होने के पश्चात इसमें सीसीटीवी फुटेज और बाकी अन्य जो लोग हैं उनसे पूछताछ करते यह कहानी सामने आई कि मृतक के जो माँ बाप हैं वो मुख्य आरोपी अमन उनके माता पिता को 1 लाख रुपये उधारी दिए थे और वो पैसे के लगातार वापसी के लिए लगातार इन लोग परेशान कर रहे थे। इसके कारण जो मुख्य आरोपी अमन है वो अपने अन्य 3 और साथी के साथ में प्लान बना के इनको रास्ते से हटाने के लिए मृतक कृष्णा को रास्ते में रोके, इनको चाकू से चारों मिल के इसको मारे हैं। मारने के पश्चात चीजों को साक्ष्य को छुपाने के लिए वहीं पे ही इनको कुछ दूरी पे ले जाके सुनसान जगह पे इसको जला दिए थे और जलाने के पश्चात ये लोग सब अभी अपने अपने जगह पे थे। जब ये सारी चीज़ें टेक्निकल चीज़ के साथ में जब अभी बेरा है छोटकुन ब्रेक लेके आप मन देखत रहा आप मन के अपन चैनल न्यूज़ 36 से छत्तीसगढ़ के आवाज़।